नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान, महेंद्र सिंह धोनी, जिनके लिए कहा जाता है कि वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे उनके पास प्लान्स रहते हैं। और उन्होंने पहले मैच में आईपीएल के वो दिखा भी दिया मुंबई इंडियंस के खिलाफ। सभी उनकी कप्तानी के एक बार फिर से कायल हो गए। और जो लोग ये समझ रहे थे कि धोनी में वो बात नहीं है, धोनी ने उन सभी की बोलती बंद कर दी है। अब आज के मैच पर बात करते हैं। आज के मैच में धोनी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, खास सीक्रेट प्लान्स क्या रहेंगे। जैसा कि हमने पहले मैच में भी आपको बताया था कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ धोनी का ये सीक्रेट प्लान है, और हमने बताया था कि स्पिन की तिकड़ी के साथ वो उतरेंगे और इस तरीके से फंसाने की कोशिश करेंगे, और वो हुआ भी। पीयूष चावला को छठे ओवर में वो ले आए और चीज़ें बदलती चली गई पूरे मैच में। आज के मैच में राजस्थान के खिलाफ, हालांकि राजस्थान की टीम उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी धोनी अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे। तो क्या प्लानिंग हो सकती है राजस्थान को फंसाने के लिए? कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनके खिलाफ खास प्लान बने होंगे? सबसे पहले तो वही कि टॉस कौन जीतता है। टॉस बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा किसी भी रणनीति को एग्जीक्यूट करने के लिए। आपको टॉस आपके फेवर में जाना चाहिए। अगर टॉस भी धोनी के फेवर में नहीं जाता है तो भी मैं मानता हूँ कि एक जो अहम चीज़ वो नज़र रखेंगे कि इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं, क्योंकि सेकंड बैटिंग करना थोड़ा मच ईजियर हो रहा है बिकॉज ऑफ ड्यू आई थिंक, तो उस वजह से वो ये सोचेंगे कि अगर फर्स्ट इनिंग्स में जितने कम से कम रनों पर रोक दिया जाए सामने वाली टीम को, क्योंकि देखिए दूसरे इनिंग्स में निश्चित तौर पर बल्लेबाजी करना आसान होगा, लेकिन हमें ये देखना होगा कि जैसे पहले मैच में सीएसके के दो विकेट जल्दी गिर गए थे, तो अगर वैसा ही झटका उन्हें दोबारा लगता है तो क्या फिर उसी तरह की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर पाएंगे, रायडू और डुप्लेसी मिलके? हालांकि उसके बाद भी उनके बैटिंग में डेप्थ हमें देखने को मिल गई। सैम करन ने रन मार दिए, जडेजा ने रन मार दिए, धोनी खुद मौजूद हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें निश्चित तौर पर देखने को मिली। लेकिन मैं ये देखना चाहूँगा आज कि महेंद्र सिंह धोनी अपने गेंदबाजों को, क्योंकि देखिए पीयूष चावला वाज़ अ प्लान बी, पीयूष चावला प्लान ए नहीं थे, पीयूष चावला प्लान बी थे। जब शुरुआत में विकेट्स नहीं मिले, जो प्लान ए था महेंद्र सिंह धोनी का, तो वो प्लान बी पर आया और प्लान बी सक्सेसफुल हो गया। लेकिन आज क्या उनका प्लान ए शुरुआत से सक्सेसफुल होता है? क्या अगर राजस्थान बैटिंग कर रही है तो क्या वो यशस्वी को फंसा पाएंगे, या वो मिडल ऑर्डर में आपका स्टीव स्मिथ अगर नंबर तीन पर आते हैं तो क्या स्टीव स्मिथ का विकेट जल्दी ले पाएंगे? क्योंकि ये ऐसे दो तीन ऐसे नाम हैं जिन पर बहुत ज़्यादा राजस्थान डिपेंड करेगी शुरुआती वक्त में। अगर इनको आप जल्दी आउट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर फिर आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं है, और बेन स्टोक्स नहीं है तो बहुत बड़ा। और जॉस बटलर की भी खबर आई, वो भी नहीं है, क्यों नहीं है? जॉस बटलर को लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी वो शायद उनके बारे में ना इंजरी के लिए कहा गया है, ना उनकी अनअवेलेबिलिटी पे कुछ कहा गया है, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, बस ये है कि वो अवेलेबल नहीं है समय पर सिलेक्शन के लिए। बल्कि इतने बड़े प्लेयर हैं, उनको तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई बड़ा कारण होगा, सामने नहीं लाया जा रहा होगा, कई चीज़ें सामने नहीं आएंगी इस आईपीएल में, बिल्कुल ड्यू टू कोरोना और कोविड, और उसी में से शायद मुझे लग रहा है कि कारण। तो जॉस बटलर नहीं होंगे, बेन स्टोक्स पहले से ही मौजूद नहीं है, तो दो एक तरीके से ब्रह्मास्त्र जो थे राजस्थान के पास वो उनके पास नहीं है। अब एक बचे हैं स्टीव स्मिथ, तो अकेला चना कैसे भांड फोड़ता है वो देखना होगा। जोफ्रा आर्चर भी हैं, लेकिन ऐसे तो मतलब उन उस कद के नहीं है ना जैसे कि बेन स्टोक्स, जॉस बटलर। और बॉलिंग में ठीक है, जोफ्रा आर्चर अपनी तरफ से कमाल कर सकते हैं, लेकिन चार ही ओवर होते हैं उनके पास, देखते हैं कि वो भी क्या कर पाते हैं। देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो रणनीति होगी धोनी की, वो आपको बता दी है रोहित ने। इसी रणनीति के साथ, इसी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के साथ धोनी जाएंगे, और मुझे लगता है कि आज उनके प्लान्स एग्जीक्यूट भी होंगे। बहुत कम चांसेस है कि प्लान्स एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि सामने वाली टीम में उतना दम हमें नज़र नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।